तो नमस्कार, ये देखो आप मेरे हाथ में ये एक सूखी सी भिंडी देख रहे होगे। आप सोच रहे होगे ये क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भिंडी बड़ा हो जाता है उसको थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना जुआ गया, यानी कि टाइट हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं तो बीज बन जाता है। तो दोस्तों ये भिंडी लगाने का मौसम आ गया है, तो देखो इसमें से कैसे बीज निकलता है और इसको हम कैसे मिट्टी में डाल देंगे तो ये हमारा बीज उगेगा। तो मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी। तो ये देखो ये कैसे इसमें से बीज निकल रहा है, देखो इतने सारे बीज। आप सोचो अगर खाली इस एक भिंडी का भी सारा बीज उग गया तो हमें कितना सारा भिंडी मिल जाएगा। फिर भी मैं बीज लाऊंगी खरीद के, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। फिलहाल मेरे पास ये है, देखो ये सारा इसमें से मैंने बीज निकाल लिया और इतने सारे बीज निकले हैं। अब इसको मैं डाल दूंगी उगने के लिए, फिर उग जाएगा, फिर थोड़े दिन में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैंने इसको इस डिब्बे में भिगो के रख दी हूँ ताकि रात भर इसमें अच्छे से पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसको उगने में प्रॉब्लम नहीं होगा। कल मैं इस रेत वाले ये मिट्टी के गमले में इसमें थोड़ा और ये डाल दूंगी, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, और इसमें लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। दोस्तों ये मेरा रेडी किया हुआ अच्छा सा मिट्टी है, तो मैं इसको डाल के और इसमें देखो जो मैं कल सॉफ्ट करके गई थी अपने भिंडी के बीज, ये भिंडी के बीज देखो अच्छी तरह से अंकुरित भी हो गया है। तो अब इसको अभी लगा दूंगी मैं। तो ये देखो अब, ये देखो ये मिट्टी का गमला है और इसमें मैं ये बीज लगा दे रही हूँ। ये मैं इस तरह से इसको डाल दी और फिर इसको फैला दे रही हूँ चारों तरफ। ये हो गया, इस पर से हम थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे, इसको ढक देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। अब देखते हैं कितने दिन में ये जर्मिनेट होता है, तो जब जर्मिनेट होगा तब भी आपको दिखाऊंगी। तो ये है दोस्तों सूखी भिंडी की कहानी के क्रम में। ये देखो अब ये सूखी भिंडी, एक सूखी भिंडी से देखो इतने सारे बीज जर्मिनेट होने वाले हैं, लगभग जर्मिनेशन पे आ गया है। अब जैसे ये पौधा बनेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इस पौधे को लगाते तक आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चल रही हूँ। तो ये है देखो सूखी भिंडी की, एक सूखी भिंडी की कहानी। दोस्तों सूखी भिंडी की कहानी के क्रम में ये देखो अब ये सूखी भिंडी, एक सूखी भिंडी से देखो इतने सारे बीज जर्मिनेट होने वाले हैं, लगभग जर्मिनेशन पे आ गया है। अब जैसे ये पौधा बनेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इस पौधे को लगाते तक आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चल रही हूँ। तो ये है देखो सूखी भिंडी की, एक सूखी भिंडी की कहानी। ये लो, मार्क हो गई है।